बतारीख 9 सितंबर बरोजे जुमा को शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गणेश आइडल्स के निमर्जन किए जा रहे हैं। इसी खसूस में जगह जगह जुलूस में सैकड़ों जुलूसियों के साथ धूमधाम से गणेश महाराज को अलविदा किया जा रहा। पारी शरीफ के इलाके से भी श्री साई शिवाजी यूथ एसोसिएशन की जानिब से बड़े ही जोश खरोश के साथ गणेश आइडल का जुलूस निकाला गया, जिसे टैंक बन में निमर्जन किया जाना है। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस से कबल गणेश महाराज के लड्डू की बोली लगाई गई, जिसे नरेश यादव ने 2,01,000 रुपये में अपने नाम करते हुए गणेश महाराज का आशीर्वाद हासिल किया। ये प्रोग्राम काउंसलर कौंडल यादव की जेर निगरानी में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ इंतहाई पुरसकून व कामयाब तरीके से अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज पाड़ी शरीफ से टाइम बोर्ड को जाने वाला आखिरी बॉर्डर का ये गणेश पाड़ी शरीफ से श्री साई शिवाजी यूथ के जानिब से जो 25-30 साल से दो चलता गणेश यहाँ से निमर्जन करते टाइम बोर्ड में, तो गईसो साल ये लड्डू हमारा नरेश यादव पंजम नरेश यादव 2,01,000, तो उनको उनका फैमिली को भी अच्छा रहना बोल के हमारा गांव का तरफ से बड़े छोटे सब जनों के उनके ऊपर दुआ में भी याद रखेंगे। ये हमारा श्री साई शिवाजी यूथ कमेटी भी हर साल के ऐसा बहुत अच्छा काम करे, गांव के बड़े छोटे हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना तहजीब बोल के लेके चलते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मेहनती भाइयों का भी जो लड्डू लिए हर साल के साथ, ये साल भी लिए, दो बार लिए, उनको भी उनको फैमिली को भी अच्छा रहना बोल के मेरा गुजारिश। ఈరోజు పాడిషరీఫ్ గ్రామం నుంచి ప్రతిసారి ఎల్ఏటి మన సాయి శివాజీ యూత్ అసోసియేషన్ తరఫున టైం బోర్డ్కి వెళ్ళేది లాస్ట్ రంగారెడ్డి బార్డర్ నుంచి వెళ్తాం కాబట్టి ఈసారి గణేష్ లడ్డు వేలం పాటలో పోయినసారి తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి పందం నరేష్ యాదవ్ ఈసారి కూడా 2,01,000 ఆయన ఈ లడ్డు కైలాసం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆయనకు వెళ్ళే వేళంగా ఈ శ్రీ శివాజీ యూత్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మంచిగా ఉండాలని మా గ్రామ పెద్దలు అందరూ ఆశీస్సులతో ఆయన ముందుకు వెళ్ళాలని మా యొక్క కోరిక. పోయినసారి కూడా ఆయననే తీసుకుండు 1,60,000 ఈసారి కూడా 2,01,000 తీసుకుండు కాబట్టి మా పాడిషరీఫ్ గ్రామం తరఫు నుంచి ఆయనకు ఎప్పటికీ మంచి జరగాలని మా యొక్క కోరిక.